वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का पहला मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 8 अक्टूबर को यह मुकाबला होगा। बड़ा मुकाबला होने वाला, एक बड़ा क्लैश होगा, दो बड़ी टीम आमने सामने भिड़ेंगी और यहां पर जो पहला मुकाबला जीतेगा वो विनिंग मोमेंटम आके लेके जाएगा। यह मुकाबला होने वाला है कहां पर? चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर। बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैदान होगा और क्या यहां पर बड़ा मैच देखने को मिलेगा? बहुत सारे सवाल है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कैसे रहने वाली है प्लेइंग 11, क्या होगा मौसम का मिजाज, क्या बारिश की यहाँ पर संभावना होगी या फिर प्रॉपर आपको खेल देखने को मिलेगा और कैसे रहने वाली है पिच रिपोर्ट, बनेंगे रन या फिर गिरेंगे विकेट। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करें सबसे पहले मौसम की, तो भाई मौसम कैसा रहने वाला है? चेन्नई की विकेट का मतलब क्या होता है? चेन्नई की विकेट का मतलब होता है गर्मी, ड्राई यहाँ पर वेदर रहेगा, गर्मी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और जब यहाँ पर आप चेज करेंगे यानी कि जब एक इनिंग चली जाएगी तो वहां पर उसके बाद अगर आप ग्रास को छुएंगे ना तो वहां पर घास को छूने के बाद आपका जो हाथ है एकदम गीला हो जाएगा, इसका मतलब काफी सारी ड्यू भी आपको देखने को मिल सकती है। 70% यहाँ पर ड्यू के चांसेस है और जो वेदर रहने वाला है, वेदर यहाँ पर रहने वाला है 36 डिग्री के आसपास का। तो आप समझ सकते हैं अच्छी खासी गर्मी आपको देखने को मिल सकती है और धूप में तो वैसे ही जो बंदा होता है उसके पसीने छूट जाते हैं। और आपने देखा इंडियन सॉइल के ऊपर जब गर्मी पड़ती है तो भीषण गर्मी वो पड़ती है। तो यहाँ पर सी साइड यहाँ पर देखने को मिलता है चेन्नई का, मतलब यहाँ पर आसपास आपके पानी होगा, इसकी वजह से आपका जो ग्रास रहेगी उसके अंदर नमी जल्दी आने की यहाँ पर संभावना है। इसका मतलब साफ है कि आप जाइए चेस कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो एवरेज स्कोर है इस मैदान का वो 247-250 के आसपास आप बोर्ड पर लगते हुए देखते हैं। और यहाँ पर आप यूजुअली देखते हैं कि स्पिनर्स का रोल यहाँ पर काफी अच्छा होता है, रविंद्र जडेजा यहाँ पर संभावना भी आ रही है कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अश्विन तीनों खेलते हुए नजर आएंगे। अश्विन और जडेजा इन दोनों की जोड़ी चेन्नई के अंदर कमाल कर सकती है, दोनों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, दोनों चेन्नई के लिए क्रिकेट खेला करते थे। जडेजा तो अब भी खेलते हैं और अश्विन चेन्नई के लिए क्रिकेट खेलते थे और इनकी डोमेस्टिक साइड भी वहीं से पड़ती है, तो इनको बखूबी पता है कि चेन्नई की क्रिकेट कैसे बिहेव करेगी, काफी सारे टेस्ट मैचेस भी खेले। तो ये थी भाई हमारी पिच रिपोर्ट, मैंने आपको बताई वेदर कैसा बिहेव करने वाला है, अच्छा खासा प्लेजेंट मौसम रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं पिच की बात करूँ तो पिच के अंदर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, ड्राई रहेगा, विकेट चेजिंग आसान रहेगी और बैटर्स और बॉलर दोनों कंटेस्ट यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। बात करते हैं जाते जाते प्लेइंग 11 की। यहाँ पर प्लेइंग 11 के अंदर क्या रहेगा, कौन सी टीम खिलाएगी भारतीय टीम? शुभमन गिल का एक बड़ा नाम है, शुभमन गिल थोड़े से डेंगू हो गया उनको, तो डेंगू के चलते क्या शुभमन गिल अपने प्लेइंग 11 के अंदर जगह बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? बहुत सारे सवाल है, इस वीडियो के अंदर जवाब देंगे, आप रुकिए थोड़ा सा। बात करते हैं प्लेइंग 11 की भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया, तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर शुभमन गिल प्लेइंग 11 के अंदर नहीं होंगे तो हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी, रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, सिराज और बुमराह। ठीक है, आप समझ सकते हैं भाई तीन स्पिनर होंगे, दो तेज गेंदबाज होंगे और साथ हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, श्रेयस, यानी कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर एक साथ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, ऑस्ट्रेलिया के पास डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी या फिर जॉश इंग्लिस, ये एक टॉस रहेगा, देखते हैं कौन खेलेगा। उसके बाद एडम जेम्पा, मिचेल स्टार्क, सीन एबट और पैट कमिंस, ये आपकी प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया की। एक एश्टनेगर का नाम यहाँ पर मिसिंग है और एश्टनेगर को बहुत ज्यादा मिस करेगी भी ऑस्ट्रेलियन टीम, अच्छा परफॉर्मेंस था उनका इंडिया के अंदर और एश्टनेगर नहीं है इस ओडीआई साइड के अंदर, कहीं ना कहीं इनके पास स्पिनिंग विकल्प है। एडम जेम्पा के साथ साथ मार्नस लबुशेन जो कि बहुत सारी गेंदबाजी की थी उन्होंने वार्म अप मुकाबले के अंदर, देखने वाली बात होगी भाई किसकी तरफ जाएगा ये मुकाबला। मेरी प्रेडिक्शन टीम इंडिया के साथ है, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं।